ललितपुर के सहित कई राज्यों में चिटफंड को लेकर आपके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मामला है और कैसे शुरुआत हुई सर इसकी? देखिए, चिटफंड की जो अलग अलग नाम से कंपनियां बना करके बड़े स्तर पे लोगों का पैसा जो है डबल करने के नाम पे लोगों के साथ जो है अपराध किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से LOCC नाम की कंपनी के द्वारा जो है कई हजार करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कराया गया था, और उसको लेकर के जो है एक बहुत बड़े स्तर पे फ्रॉड किया गया था। तो इसमें जो है प्रभावी कार्रवाई करते हुए जो इसके ललितपुर जनपद के जो सरगना है उन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है, और इसके अलावे भी चिटफंड के अलावे नौकरी देने के नाम पे या जमीनों को फर्जी तरीके से बेचने वालों के नाम पे या अलग-अलग जगहों पे नौकरी के लिए चाहे ठेके पे देने के लिए ऐसे अलग-अलग जो रैकेट बना करके लोगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उन सबके ऊपर जो है ललितपुर पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 110 से ज़्यादा FIR पंजीकृत किया है और लगभग 140 से ज़्यादा मुलजिमों को हम लोगों ने अरेस्ट करके उनको जेल भेजा है, और इन सबके खिलाफ जो है गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलित है, और इनके द्वारा जो अपराध से अर्जित जो संपत्ति है उसको भी कुर्क करने की कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। जो भी इस तरीके से कार्य करने वाले संगठित गिरोह हैं जो भोले भाले जनता को अपने भरोसे में लेकर के उनका पैसा डबल करने के नाम पे या किसी भी तरीके का फ्रॉड जो है वो करते हैं, उन सबके खिलाफ जो है ललितपुर पुलिस के द्वारा और यूपी पुलिस के द्वारा लगातार आगे भी अभियान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और DGP महोदय के निर्देशन में लगातार उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो आगे भी निरंतर रूप से जारी रहेगी। सर ये लोग ATM वगैरह भी खोल रहे थे, बैंक की तरह पासबुक चला रहे थे, क्या कुछ है कैसे देखिए, इसके लिए जो है बहुत सारे हमें बॉन्ड जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें इस तरीके का डबल पैसा देने का इनके द्वारा जो प्रयास जो है वो किया गया था। इसके अलावा ATM वाला जो है उसको हम लोग बैंक से RBI से हम लोग लगातार पत्राचार करके वहाँ से भी उस चीज़ को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी मिली है कि इनके द्वारा उसमें भी फ्रॉड जो है वो किया गया है, अभी तक किसी भी तरीके का ऑथेंटिक रूप से जो ATM के माध्यम से जो पैसा निकालने वाली जो बात है वो अभी विवेचना जो है वो चल रही है, उसके बाद ही इसमें और आगे आगे जो है बताया जा सकता है। सर? ED को भी आपने पत्राचार किया है, तो उसमें आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें ऑलरेडी जो है उनके स्तर से जो है कार्रवाई जो है वो चल रही है, और जो भी उनका ED को जो सहयोग जो जिला पुलिस से चाहिए वो हम लोग निरंतर उनके संपर्क में हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो सारे चीज़ें जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे और किस तरीके की कार्रवाई अभी जारी है? जैसे मैंने आपको बताया कि अपराध से अर्जित जितनी भी इनके द्वारा जो संपत्ति बनाई गई है उसको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है, लगभग 54 लाख के आसपास बैंक अकाउंट में हम लोगों ने अभी तक फ्रीज किया है, और लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की जो अलग अलग जो संपत्तियां इनके द्वारा जो है वो खरीदी गई हैं या तो अपने नाम पे या कंपनी के नाम पे या अन्य किसी दूसरे के नाम पे, तो उसको भी हम लोग चिन्हीकरण जो है वो कर रहे हैं, और उन सबको जो है आगे जितने भी इसमें अग्रिम कार्रवाई है चाहे वो गैंगस्टर की हो या उसको जब्तीकरण की हो वो सारा जो है वो प्रचलन में है, और इसमें हम लोग प्रभावी कार्रवाई जो है वो आगे हम लोग जारी रखेंगे। सर इन लोगों द्वारा लगभग कितने हजार करोड़ का ये घोटाला यहाँ पर किया गया, देखिए उस वो ठगी चूंकि का? अभी तो विवेचना के विषय है, उसमें अभी तक ये पता चला है कई हजार लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है, और उसमें जो है हम लोगों ने अलग अलग बैंक अकाउंट्स जो है वो भी हम लोगों को मिले हैं, और उन सभी को हम लोग जो है वेरीफाई कर रहे हैं, सारे अकाउंट्स को जो है हम लोग देख रहे हैं, उसके पूरा ट्रेल को हम लोग जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, तो इन सभी बिंदुओं पे जो है विवेचना का चूंकि ये विषय है तो सारे हम लोग इसकी SIT के माध्यम से जो है और हमारे जो एडिशनल SP हैं और हमारे COs हैं इनकी एक अलग से डेडिकेटेड टीम भी हमने बनाई है इसमें SIT के साथ की मदद करने के लिए, और वो पूरी टीम जो है वो इस पे काम कर रही है, और जो भी इस तरीके के अपराध करने वाले लोग हैं उन सबके खिलाफ जो है आगे भी कार्रवाई हम लोग जारी रखेंगे। सर आखिरी सवाल है, जो इसका LOCC का मुख्य सरगना है समीर अग्रवाल, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई अभी तक की गई है और क्या हो जारी देखिए, है? समीर अग्रवाल के ऊपर जो है 50,000 रुपये का इनाम जो है वो उसके ऊपर हम लोगों ने घोषित करवा रखा है DIG महोदय के आदेशानुसार, और साथ ही उसका लुकआउट नोटिस
जो है वो भी जारी हो रखा है, और उनके उसको अरेस्ट करने की जो प्रक्रिया है वो भी जो है वो हम लोगों की टीमें जो है लगातार उसके लिए काम कर रही है, और बहुत जल्दी ही जो भी इसमें समीर अग्रवाल या इनके जैसे और भी जो इस गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, चूंकि इसके पीछे एक पूरा एक गैंग है जिसके द्वारा जो है बड़े स्तर पे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जिलों में इनके द्वारा जो है इस तरीके का कार्य किया गया है, उन सभी को जो है हम लोग अरेस्ट करके और माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उनको हम लोग पेश करेंगे, और उसमें आगे की जो भी कार्रवाई है वो हम लोग इसमें आगे भी जारी रखेंगे।